स्वागत है आपका बेंटन फैंस क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में। तो आज मैं जिनका क्वेश्चन पिक करने वाला हूँ उनका नाम है स्नेहल ट्यूबर भाई। तो इन्होंने मुझसे कमेंट में 3 क्वेश्चन पूछे थे, बट सॉरी ब्रो, आज की इस वीडियो में मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन को ही पिक कर रहा हूँ। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके बाकी 2 क्वेश्चन पर भी मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। वैसे अभी हम बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आपने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछा था कि अगर बेंटन की ऑमनीवर्स सीरीज के अल्टीमेट हीस्ट एपिसोड में अगर बेन को पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल मिल जाता एंड फिर बेन उस पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल को ऑमनीट्रिक्स में लगाता तो क्या वो अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होता। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल की हेल्प से बेन ऑमनीवर्स में भी अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल के बारे में। तो पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल एक रेडिश पिंक कलर की डायमंड ज्वेलरी की तरह दिखता है एंड जो पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल है इसका क्रिएटर कौन है अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन डेरिक जे वाइट ने ये कंफर्म कर दिया है कि पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज यानी कि गुप की स्पीसीज से रिलेटेड है। तो कुछ बेंटन फैंस थ्योरी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल को पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज ने ही क्रिएट किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल को इंस्पेक्टर 13 ने बनाया हो पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज के बॉडी के पार्ट से, क्योंकि फर्स्ट टाइम पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल इंस्पेक्टर 13 के पास ही हमने देखा था। अब ये दोनों तो बस एक फैनमेड थ्योरी है। वैसे अब हम बात कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल की यूजेस की। पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल का अब तक हमें सिर्फ एक ही यूज देखने को मिला है और वो यूज ये था कि पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल से अल्टीमेट एलियंस को अनलॉक किया जा सकता है। सो अब हम बात कर लेते हैं स्नेहल ट्यूब भाई के क्वेश्चन की। तो इन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा था कि क्या बेन पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल से अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो देखो भाई, इसका ऑफिशियल कन्फर्म्ड आंसर है कि बेन पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल से अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है, या कहें तो बेन अपनी ऑमनीट्रिक्स को पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल से अल्टीमेट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑमनीट्रिक्स पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अब आप लोग कहोगे कि फिर एल्बिडो पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल से अल्टीमेट एलियन में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ और पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल को एल्बिडो की ऑमनीट्रिक्स ने क्यों एक्सेप्ट किया। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो एल्बिडो की ऑमनीट्रिक्स थी वो कोई ऑमनीट्रिक्स नहीं बल्कि एक स्टेबलाइजर थी जो सिर्फ एलियंस के डीएनए को स्टेबलाइज कर सकती थी, और एल्बिडो की ऑमनीट्रिक्स एक स्टेबलाइजर होने की वजह से ही एल्बिडो की ऑमनीट्रिक्स ने पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल को एक्सेप्ट किया और एल्बिडो को अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो यही था स्नेहल ट्यूब भाई के क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइज, अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटन फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।